Assalamualaikum, so we are back with another tasty recipe. आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा, बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी है। आगे रमजान आ रहा है, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा। अब ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम लोगों ने ब्लेंडर के अंदर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है और अलग से एक बाउल के अंदर हम लोगों ने निकाल लेना है। इसके अंदर हम लोगों ने दही का जो पानी होता है वो हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स करना है। मैंने यहाँ आधा जग डाला था, इट्स ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो डालें। और उसके बाद सादा पानी के दो जग हमने लिए हैं, ये हमने उस मिक्सचर के अंदर डाल दिए। अब आ जाते हैं स्टेप टू की तरफ। अब जब हमारी कढ़ी में बॉईल आ जाएगा ना, हमने ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ना आपने ये डाल देनी। इसमें प्याज डाल दिए हैं, बाकी सारे मसाले जो मैंने अंदर मेंशन किए हुए हैं वो डाल दिए हैं, कोकोनट डाला है और इसको मिक्स कर लिया है, मेथी डाली है उसको मिक्स कर लिया हम लोगों ने, और ये वाले जो हमारे हैं ना इनको ग्राइंड करके डालना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ के और देख लें इसमें क्या क्या है। ये हमने डाल के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको दो घंटे तक पकाना है और मेक श्योर कि आप इसको मतलब चम्मच अंदर हिलाते रहें ताकि अंदर लगे ना। अब स्टेप थ्री है, हमने बनाने पकौड़े, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने सब चीज़ें साथ साथ लिखी हुई हैं, प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा ध्यान से। अब ये सारी जो हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना हमने इनको मिक्स कर लेना। मैंने बाद में मीठा सोडा डाला था, मैं भूल गई थी, लेकिन आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे खस्ता खस्ता और नरम नरम और खस्ता खस्ता बड़े मज़े के पकौड़े बनते हैं। सब चीज़ों को हम लोगों ने डाल लेना है और इनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, इतनी कि जो उसकी कंसिस्टेंसी हो ना, मतलब थोड़ी स्टिकी स्टिकी हो, रनी ना हो, तो पकौड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। अब बस हम लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई ऐसे करना है कि मीडियम टू लो फ्लेम होगी और ईच साइड मैंने 2-2 मिनट्स दिए थे। अब गोल्डन टू ब्राउन से इसका जब कलर आ जाए ना, तब इसको आपने उतार लेना है। और जब हमारी कढ़ी को अब यहाँ पे 2 घंटे हो गए, इसके बाद मैंने डाल दिए इसके अंदर पकौड़े सारे, इनको हम लोगों ने मिक्स कर लिए। अब इसमें हम लोगों ने डाल लिया थोड़ा सा चाट, उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेप 4। अब हमने तड़का लगाना है, इसमें रेड चिली है, ग्रीन चिली है, ज़ीरा है और थोड़ी सी लाल मिर्च है हमारी, इनको 1 मिनट पका लेना। जब थोड़ा सा जो रेड चिली है ना थोड़ा सा कलर चेंज करेगी अपना। अब हमने इसको डाल लेना है। बहुत ही टेस्टी सी हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच वीडियो देखने।